और चलिए बात इस समय मौसम को लेकर भी करते हैं। आपको बता दें कि नोएडा में हिंडन नदी का एक बार फिर से जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद में बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, 22,987 क्यूसेक पानी अभी छोड़ा गया है बैराज से, जिसके चलते यमुना एक बार फिर से उफान पर हो सकती है। पानी बढ़ने से लगभग 2.5 लाख लोग प्रभावित होंगे। अलर्ट मोड पर रखा गया है इन सभी क्षेत्रों को। पुलिस और प्रशासन इलाके से 2000 यहां पर मकान ऐसे हैं जिनको खाली कराया गया है। हैबतपुर, चोटपुर, बहलोलपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं हिंडन नदी के जलस्तर को लेकर। छिजारसी, चकशाह, बेरी सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। हिंडन नदी का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है और इस बढ़े जलस्तर के कारण इस समय लगातार आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें बाढ़ का खतरा इस समय मंडरा रहा है। 22,000 से अधिक क्यूसेक पानी इस समय बैराज से छोड़ा गया है। अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन भी है। ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, लगभग 2000 मकान ऐसे हैं जिनको खाली कराया गया है एहतियातन। और ऐसे तमाम इलाके बहलोलपुर, हैबतपुर, छिजारसी, ये सभी ऐसी जगह है जहां पर हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आशंका इस समय बनी हुई है। लगभग 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे यदि ये जलस्तर इस तरीके से आगे बढ़ता है। फिलहाल कई इलाके हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, वहां से लोगों को हटाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनायक गुप्ता मेरे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विनायक, इस समय क्या स्थिति आप देख रहे हैं? इन तमाम इलाकों में हिंडन नदी का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है, प्रशासन की क्या मुस्तैदी है? जी, आप बता सकते हैं हिंडन नदी का जो पानी है वो छोड़ा गया है। उस पर जितना भी जो होशियारपुर है, चोटपुर है, हैबतपुर है, बहलोलपुर है, ये जितने भी गांव है वहां पर जो है पानी भर चुका है। तो इसमें से अब प्रशासन की तरफ से लगातार जो है लाउडस्पीकर के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को अपील करी जा रही है कि जल्द से जल्द वहां से अपना मकान खाली किया जाए। ऐसे कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो डूब क्षेत्र में बने हुए मकान थे वहाँ पर 2000 से ज्यादा मकानों को खाली कराया गया है और वहीं पर आज कुछ लोगों को जो है लगातार कहीं और भी शिफ्ट करने की तैयारी भी करी जा रही है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि गाजियाबाद के बैराज से जो है 22,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चक्कर में जो बाढ़ का जल स्तर है वो बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके कारण जो जितना भी पानी है ये हिंडन का वो लोगों के घरों में पहुंचना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार जहां जहां उनको सूचना मिल रही है वहां पर उनकी टीम पहुंच रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों को जो है बाहर भी निकाला जा रखा गया है और जल्द से जल्द जितने भी वहाँ पर जो 2.5 लाख से ज्यादा जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको जो है कहीं और पर शिफ्ट किया जा रहा है। जी, यानी कि साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है इन तमाम इलाकों में? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर लगातार इसी तरीके से बैराज से पानी छोड़ा जाएगा तो इन सभी इलाकों में बाढ़ जैसे हालातों की जो आशंका है वो और बढ़ सकती है। जी, आपको बता दो कि बिल्कुल हिंडन नदी के बैराज से जो पानी छोड़ा गया था गाजियाबाद के यहाँ से वो पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन जो है बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों को जो है अपील कर रहा है और वहाँ पर उनके घरों पर नोटिस भी इससे पहले भी चस्पा किए जा रखे थे कि आपके यहाँ पर किसी डूब क्षेत्र में आपका मकान है, यहाँ पर जो जल स्तर का खतरा हो सकता है, तो उसको लेकर के पहले भी नोटिस किया गया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ से अपने घर खाली नहीं किए गए थे। अब जो है प्रशासन की तरफ से लगातार जो है लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई करी जा रही है, साथ ही साथ उनके जो खाने पीने की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है, जिससे कि आम लोगों को किसी तरीके से कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि बताया जा रहा है कि जो 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर रहा करते थे, जो सियासी और राहुल बिहार और अन्य जो हैबतपुर गांव है वहां पर जो जल स्तर ज्यादा पहुंच चुका है लोगों के घरों के अंदर तक पानी, तो वहां से लोगों को जो है अभी तक 2,500 से ज्यादा जो लोगों को वहां से शिफ्ट कराया जा रखा गया है और लगातार अन्य लोगों को भी वहां से अलग जगहों पर शिफ्ट कराया जा रहा है। ठीक है विनायक, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।